हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, शॉल, ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन 22 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 22 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 14 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 6 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 14 प्लस 6 प्लस 2। ये डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो वन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस पे मैंने 14 मल्टीपल करके 14 प्लस 6 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 22 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा बिना बुने स्लिप कीजिए, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, फिर एक फंदा स्लिप, 6 फंदा सीधा, 2 4 6, फिर एक फंदा स्लिप। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको 3 6 7 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। हर रॉन्ग साइड आपको उल्टा ही बुनना है। आप थर्ड रो सेम रो वन की जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप कीजिए, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप कीजिए। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, एक फंदा स्लिप, 6 फंदा सीधा, 2 4 6, एक फंदा स्लिप। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 7 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप फिफ्थ रो सेम रो वन रो थ्री के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा स्लिप, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर एक फंदा स्लिप।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, छः फंदा उल्टा, दो चार छः, एक फंदा स्लिप, छः फंदा सीधा, दो चार छः, फिर एक फंदा स्लिप, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको सात फंदा बचे का धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप सेवन रो सेम रो वन रो थ्री रो फाइव की जैसे ही बुनना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा स्लिप, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, छः फंदा उल्टा, दो चार छः, एक फंदा स्लिप, छः फंदा सीधा, दो चार छः, एक फंदा स्लिप, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे और आगे की फंदा को पीछे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर बीच में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदा को स्लिप करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे और पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है पॉल वाइज, फिर एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, छः फंदा सीधा, दो चार छः, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा स्लिप किया, बीच में चार फंदा सीधा, दो चार, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे और आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर बीच में दो फंदा सीधा, एक दो,
फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे और पीछे की फंदा को आगे करना है। अब एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, सात फंदा सीधा, दो चार छः सात, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा स्लिप, फिर बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 11 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब ट्वेल्व रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है। आप 13 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे और आगे की फंदा को पीछे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है। अब एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा स्लिप किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदा सीधा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 13 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब 14 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है। अब 15 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर इस दो फंदा को फिर स्लिप करना है, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, नौ फंदा सीधा, तीन छः नौ, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर दो फंदा को स्लिप किया, फिर तीन फंदा सीधा। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 15 रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब 16 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है। आप 17 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है,
पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 17 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 18 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 19 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है पॉल वाइज, फिर एक फंदा सीधा, बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर से एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, सात फंदा सीधा, दो चार छः सात, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। 19 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 20 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 21 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, बीच में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल लेना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप कीजिए। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, छः फंदा सीधा, दो चार छः, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, बीच में चार फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, छः फंदा सीधा, दो चार छः, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको सात फंदा बचेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। 21 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 22 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
देखिए ये डिज़ाइन जस्ट 22 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 22 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो 22 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।